फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम वेलकम कर रहे हैं इसका मैडम राफिया जी, मैडम सर शौकत का और उनकी टीम का, जो उन्होंने यहाँ पे ये वेंचर ओपन किया है फैन पैराडाइज के नाम से, एक फंड्स की ओपन किया है डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के मिर्ज़ा एम्पोरियम में। हम इस चीज़ का वेलकम करते हैं और बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बच्चों को एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा, जो कि यहाँ पे हम लैक कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में। इस चीज़ का हम तहे दिल से वेलकम करते हैं और इनका शुक्रगुजार है। जो फन पैराडाइज आज मिर्ज़ा एम्पोरियम में शुरू हुआ है, ट्रेडर्स फेडरेशन बड़गाम इन तमाम लोगों को मुबारकबाद देती है जिन्होंने ये वेंचर यहाँ पे क्रिएट किया है। हम अपने बच्चों को भी और बड़गाम के रहने वालों को भी मुताला करना चाहते हैं, इन्फॉर्म करना चाहते हैं, इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। पढ़ाई के बाद ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे खेले कूदे, उससे जिस्मानी और जहनी नशोनुमा ज़रूरी होगी। फन पैराडाइज की इस कोशिश को आप कैसे देखते हैं, जिन्होंने आज यहाँ पे बड़गाम के इस मेन टाउन में अपना ये शोरूम यहाँ पे स्टार्ट किया है, ताकि हमारे जो बच्चे हैं ड्रग्स की ओर जाते हैं वो इन चीज़ों से दूर रहे। देखिए अदरवाइज़ अगर आप देखें ये बहुत अच्छी शुरुआत है हमारे बच्चों के पास। यहाँ पे अगर देखेंगे एक्टिविटीज़ के लिए, फन बेस्ड एक्टिविटीज़ के लिए, या अगर यूँ हम कहें ये इन्हें एजुकेशनल एक्टिविटीज़ ही हैं, क्योंकि बच्चों में इससे जो क्रिएटिविटी पैदा होती है, और उसके साथ यहाँ वो आउटलेट्स मौजूद नहीं है जहाँ पे हम बच्चे तफरी के लिए जाएं या बच्चे कुछ एक्टिविटीज़ के लिए जाएं, ऐसे यहाँ ज़्यादा हमारे पास इदारे नहीं हैं। तो अब ये एक्टिविटीज़ जो हो रहे हैं, जैसे फन जोन ने कायम किया, इससे पहले कुछ फन जोन कायम हो चुके हैं, इससे एक तो बच्चों को एक आउटलेट मिल रहा है, एक पॉजिटिव आउटलेट। दूसरा उसके साथ जो बड़ा फ़ायदा ये है कि अब जो NEP है, नेशनल स्टूडेंट पॉलिसी, वो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग पर जोर देता है, स्किल बेस्ड लर्निंग पर जोर देता है। तो इन एक्टिविटीज़ से बच्चों में न सिर्फ क्रिएटिविटी पैदा होती है, उनमें इंक्वायरी पैदा होती है, उनमें जो है फन बेस्ड लर्निंग की तरफ बच्चों का वैसे भी रुझान होता है, इस तरह से बच्चों का काफ़ी फ़ायदा होगा। सर एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक अहम रोल बनता है हमारे बच्चों को सही ट्रैक पे लाने के लिए, क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए इस वक्त NEP की वजह से एजुकेशन एक ट्रांसफॉर्मेशन दौर से गुजर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने फैसला किया कि NEP को लागू किया जाए, लेकिन ऑन ग्राउंड हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मसला आप छोटी मैं इस फन जोन की मिसाल देता हूँ, ये फन जोन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ती है, इंक्वायरी, वो सोचना चाहते हैं कि ये हम खेल रहे हैं कि ऐसा क्यों, वाई एंड हाउ, जो बच्चों का एक सोच होता है, ये चीज़ें अब NEP का पार्ट है। तो सरकार की कोशिश तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक ना ओवरऑल इस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाए, और इस अपग्रेडेशन में प्राइवेट सेक्टर का बहुत अहम रोल। देखिए आजकल आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पर बच्चों के लिए स्पेशली अगर मैं बताऊँ, पेरेंटिंग का इतना बड़ा इशू है, क्योंकि पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है बच्चों के लिए। तो यहाँ पर फन पैराडाइज शुरू करने का मकसद है कि एक पेरेंट अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करे। आपको पता ही है अगर बच्चे को करने के लिए कुछ नहीं होगा तो वो गलत कामों में जा सकता है। यहाँ पर एक रिक्रिएशन जोन है, यहाँ पर उसकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो यहाँ पर वो यूटिलाइज कर सकते हैं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा वो है कि एक जो दोनों पेरेंट्स का साथ होना, उसमें क्या इंसेंटिव्स हैं उनके लिए, यहाँ पर फन पैराडाइज ने उनके लिए इंसेंटिव्स रखे हैं। जब दो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ यहाँ पर टाइम स्पेंड करेंगे
उनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स फन पैराडाइज की तरफ से मिलते हैं. दैट्स वाई आई फील कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेंचर्स फॉर बड़गाम. और वैसे भी आपको पता ही है सोशल मीडिया पे बड़गाम की बहुत ज़्यादा बदनामी होती रही है अनफॉर्चुनेटली, जो कि ऐसा है नहीं. अदरवाइज आप देखेंगे बड़गाम में बहुत ज़्यादा टैलेंट भी हैं. और यही एक वेंचर है, यहाँ पर हमने एक और चीज़ ऐड करी है जो एक्सप्रेस यूर सेल्फ आप देख रहे हैं यहाँ पर. ये एक हमने एक प्लेटफॉर्म रखा है जहाँ पर हमारे जो इंटेलेक्चुअल पार्टनर हैं वो विंग्स एंड हाइट्स हैं. विंग्स एंड हाइट्स के बारे में आपको आइडिया होगा आई होप कि उसमें पूरा हिंदुस्तान में एजुकेशन में बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं अभी आज की डेट में, बहुत सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ को कवर करते हैं और बहुत सारे जो बड़े बड़े न्यूज़ पोर्टल्स हैं और प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से बच्चों को बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं बिकॉज ऑफ विंग्स एंड हाइट्स. विंग्स एंड हाइट्स फन पैराडाइज का इंटेलेक्चुअल पार्टनर है जहाँ पर इन बच्चों को हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे किसी भी चीज़ में हो, सिंगिंग में हो, कोई रेसिटेशन में हो, कोई डांसिंग में हो. अभी आपने यंगस्ट संतूर प्लेयर की उनकी परफॉर्मेंस देखी, ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास बच्चे हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड हैं और उनको यहाँ पर हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए फन पैराडाइज यहाँ पर है. सर, ये सेटअप में क्या क्या फैसिलिटीज रखी है आपने? यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे जो फिजिकल गेम्स हैं जहाँ पर हमने यहाँ पर सॉफ्ट प्ले रखा हुआ है जहाँ पर बच्चों की ग्रॉस मोटर स्किल्स की डेवलपमेंट होगी, लिम्स की डेवलपमेंट होगी. उसके बाद बहुत सारी ऐसी गेम्स यहाँ पर रखी गई है जिससे आई हैंड कोऑर्डिनेशन उनका अच्छा हो सकता है. जैसे आप देखेंगे बच्चों जो बाइक्स वगैरह हैं, कार्स हैं, ऐसे ही जो वो टॉयज़ को पिक करने की जो गेम्स होती हैं, एट बॉल पोल यहाँ पर रखा गया है, यहाँ पर एयर हॉकी रखा गया है और भी बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जो आप बाहर जाके या श्रीनगर में जाके किसी भी जगह आप देखते हैं जहाँ पर ये गेम जोन होते हैं और बच्चे काफ़ी एंजॉय और वहाँ पर उनको लुत्फानंदोज़ होते हैं. वो सारी गेम्स यहाँ पर रखी गई है और बिल्कुल नॉमिनल कॉस्टिंग पे, बिकॉज़ यहाँ पर खास ख्याल रखा गया है कि जो कोविड की वजह से बिज़नेस के इश्यूज़ आ रहे हैं लोगों के, उसका खास ख्याल रखा गया है. जी सर, आपका खैर मकदम है हमारे चैनल में. आप इस कोशिश को कैसे देखते हैं जो फन फेयर ने यहाँ पे शुरू किया है बच्चों के लिए खासकर? ये हमारे बच्चे जो है यहाँ पे, ये तो सर बढ़िया है, अच्छी चीज़ है यहाँ पे बच्चों के लिए, क्योंकि जो भी अभी हमारे साथ जनरेशन, नई जनरेशन है, ये तो सर गलत रास्ते पे जा रही है. अगर ये हमने यहाँ पे ये सर ये खोला तो ये अच्छी बात है, अच्छे इसमें सर बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा. तो जो भी ड्रग्स के पीछे पड़े हैं तो अगर वो यहाँ पे आएंगे, एंजॉय करें इस चीज़ का, एंजॉय करेंगे तो वो ड्रग्स से मुक्त हो जाएंगे. क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे रखी गई है? तो यहाँ पे सर बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, जैसे स्नो कर है सर बच्चों के लिए सर है, ये गेम्स है यहाँ पे सर, गन फाइटर्स है या फिर कार ड्राइविंग है, ये तो सर बड़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पे. लास्ट में ये बताइए कि उन बच्चों के लिए आपकी क्या मैसेज होगी जो बच्चे गलत रास्ते पे आ रहे हैं? मैं पेरेंट्स को बोल रहा हूँ सर, पहले पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे बच्चों को लाइए तो ताकि उनको कुछ सीख मिले यहाँ पे. तो फ्यूचर ये अच्छा प्लेटफॉर्म, सर ये तो अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे बच्चों के लिए सर, क्योंकि सर आधे गाँव सर इतने भी यहाँ पे खेलने कूदने के लिए सर जगह भी नहीं है सर कुछ, उनको सर आगे जो फ्यूचर है उनका उसके बारे में उनको नॉलेज नहीं है. अगर वो यहाँ पे आ सकते हैं तो वो बहुत कुछ सीख सकते हैं यहाँ पे. अगर आपको लगता है पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई के साथ में हमें बच्चों को कराना चाहिए सर? मैं तो सर मैं अपने बेटे को यहाँ पे लेके आया हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी पेरेंट्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो यहाँ पे आए, अपने बच्चों को यहाँ पे लाए, क्योंकि उनको थोड़ी बहुत सीख मिल जाएगी यहाँ पे और वो इस ड्रग्स चीज़ जो यहाँ पे हमें लत लग गई है उससे वो मुफ्त हो जाए. आप खुश हैं, सेटिस्फाई हैं जिस तरह की यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं? हाँ मैं सर इससे सेटिस्फाई हूँ, मैं तो सर बढ़िया सेटिस्फाई हूँ उससे, क्योंकि मैं मुझे भी एक अच्छा फ्यूचर मिला है आगे. ताकि सर मैं यहाँ पे पड़ोस में रहता हूँ तो वहाँ पे हमें बच्चों के लिए कुछ सहायता नहीं थी वहाँ पे, तो मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ पे बच्चों को लेके आऊँगा अपने तो उनको यहाँ पे कुछ सीखने को मिल जाएगा, बहुत कुछ सर यहाँ पे मिलेगा सीखने को. थैंक यू. ओके, थैंक यू सर.